नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और इस महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। इसके दृष्टिगत वायरस की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 मई 2021 से 16 मई 2021 मध्य रात्रि तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्यस्थलों, बागवानी एवं कृषि स्थलों और परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रहेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में शिक्षण संस्थान 31 मई 2021 तक बंद करने का निर्णय लिया। राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया और बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं तथा महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेशों तक निलंबित रहेंगी। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को 300 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 76 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंडी जिला के धर्मपुर में आवश्यक पदों सहित नया जल शक्ति वृत्त सृजित करने का निर्णय। गत दिनों शिमला से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला की सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी के लिए 14 करोड़ 36 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। शिमला से सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 14.5 करोड़ के लगभग जो सारी योजनाएं आज जो एक साथ हम बाली चौकी में हम जिनका शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैं इस बात को जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां हर क्षेत्र के विकास के लिए आज की तारीख में युद्ध स्तर पर काम चले हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी हूँ और एक विधायक होने के नाते इस राज्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमको लगता था जो ये काम होने चाहिए उनको हम करने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि कोविड के संकट के दौरान सावधानियां बरतें। अब की बात का ये संकट और भी ज्यादा बड़ा संकट है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। आप लोग स्वस्थ रहें, सावधानी के साथ काम करते रहें, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लोगों को कोविड से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस हेल्पलाइन को विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए लोग प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉल पर शिकायत दर्ज करके लोगों की जांच, टीकाकरण, होम क्वारंटीन, दवाइयां, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसे विभिन्न मुद्दों पर संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उनसे संपर्क किया जाएगा। गत दिनों चंबा में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ जिले में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की आवश्यकता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला के कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा अधोसंरचना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य को अतिरिक्त डी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कम से कम हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी आदमी का जीवन संकट में अभी तक कोविड के इस दौरान नहीं पड़ा। मैं कह सकता हूँ बेड कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ में हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन कि सप्लाई हमारी एक तो मेंटेन रहे, मेंटेन रहने के साथ साथ में उसमें हम कितना तेजी से हम आगे बढ़ सकते। कठिन संकट के दौर में से हम सब लोग इस वक्त गुजर रहे हैं और इस वक्त ऑक्सीजन
जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उस दृष्टि से आप सबका जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले समय में भी इस संकट के क्षण में जो भी बेस्ट पॉसिबल सरकार की ओर से हो सकता है वो सरकार करेगी, और जो भी बेस्ट पॉसिबल आप सबसे हो सकता है, किया जा सकता है, वो आप सब लोग करें। ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमें बहुत जरूरी हमारे लिए है कि हमको सामंजस्य भी बनाना है जीवन के बीच में, और जीवन के साथ साथ में हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारी परिस्थितियां भी इस तरह की खराब ना हो जाए कि उसकी वजह से जीवन संकट में हो जाए। कंटेनमेंट जोन का मतलब यही है कि उस इलाके के लोगों को बिल्कुल आपको रोकना पड़ेगा, और उनकी सुविधाओं की जो चिंता करने की जरूरत है उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध कैसी करवानी है उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करना है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।